नाना पाटकर से शादी करना चाहती थी एक खूबसूरत अभिनेत्री, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप। नाना पाटकर एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में काम करते हैं। नाना पाटकर अपने आवाज और बोली की वजह से बहुत ज्यादा पहचाने जाते हैं, उनकी एक्टिंग जबरदस्त होती है। नाना पाटकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोकप्रिय अभिनेता है और पिछले कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा की सफलता में नाना पाटकर ने एक अहम किरदार निभाया है। नाना पाटकर अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा गरीबों को दान में दे देते हैं, उनकी बात लोगों को खूब पसंद आती है और उनका डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। अभिनेत्री के बारे में बताएं तो आप चौंक जाएंगे, उस अभिनेत्री को नाना पाटकर भी बहुत पसंद करते थे और डेट भी करते थे, मगर वो हो नहीं पाया जो वो सोचते थे। कभी नाना पाटकर को पसंद करती थी अभिनेत्री, उस अभिनेत्री का नाम है मनीषा कोइराला। आप सुन के दंग हो जाएंगे, मनीषा कोइराला ही नाम है उनका। मनीषा कोइराला एक समय में बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री में गिनी जाती थी। फिल्म में काम किया स्पोर्ट के अनुसार मनीषा कोइराला नाना पाटकर की पहली मुलाकात अग्नि साक्षी फिल्म के सेट पर हुई थी। जानकारों के मुताबिक इस मुलाकात के बाद नाना पाटकर और मनीषा कोइराला एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त बन चुके थे। कई लोगों का मानना है कि मनीषा कोइराला उस समय नाना पाटकर को पसंद करने लगी थी, लेकिन किसी वजह से ये दोनों एक ना हो सके। मनीषा कोइराला नेपाल की रहने वाली है और फिलहाल फिल्मों में सक्रिय नहीं है इस समय। कुछ समय पहले उन्हें संजू फिल्म में देखा गया था जिसमें उन्होंने संजय दत्त की माँ का किरदार निभाया था। आपको क्या लगता है इन दोनों की शादी अगर हो जाती तो कैसा लगता, अपना कमेंट करके जरूर बताएं। नाना